नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नेपाल में शुक्रवार से हो रही बारिश के बाद बिहार में एक बार फिर से बाढ़ जैसे हालात हैं। कोसी बराज से 5,21,455 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। कोसी बराज के सभी 56 गेट को खोल दिया गया है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए तटबंधों की सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग के अधिकारी और अभियंता हाई अलर्ट पर हैं। इलाकों में कैंप लगाकर निगरानी की जा रही है। लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील इस वक्त लगातार हो रही है। तो यह तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का प्रवाह कितना तेज है। इस वक्त कोसी बराज के 56 के 56 गेट खोल दिए गए हैं। लोगों से लगातार माइकिंग के जरिए ये अपील की जा रही है कि अगर आप निचले इलाके में रहते हैं तो ये पानी का जो वेग है वो आपके इलाके तक पहुंचे उससे पहले आप सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन कर जाएं। तो 56 फाटक देखिए खोल दिए गए हैं कोसी बराज के। लगातार लोगों से माइकिंग के जरिए अपील भी और मॉनिटरिंग भी की जा रही है ताकि कहीं पर भी तटबंधों के ऊपर इसका दबाव अगर बन रहा हो तो उसे वक्त रहते पहले से दुरुस्त किया जा सके। फिलहाल ये तस्वीर देखकर आपको इस स्थिति की गंभीरता का अंदाजा जरूर लग रहा होगा। हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ अमित जुड़ चुके हैं सुपौल से। अमित, जरा ये बताइए, चूंकि अब पानी का जो प्रवाह है ये धीरे धीरे आगे नदियों तक पहुंचेगा, कई निचले इलाकों तक पहुंचेगा, इस वक्त एहतियाती क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए विभाग प्रशासन के द्वारा तो एहतियातन बहुत सारे कदम उठाए गए। तटबंधों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, हर जगहों पर निगरानी रखी जा रही है, एक नोज पर भी निगरानी रखी जा रही है, चीफ इंजीनियर खुद कैंप कर रहे हैं। लेकिन सबसे जो चिंताजनक विषय है कि तटबंध के भीतर जो लोग हैं वो बाहर जब तक नहीं आते हैं तब तक प्रशासन के लिए चिंता का सबब बना रहेगा। वो लोग अभी तक बाहर नहीं निकले हैं और लगातार पानी जो है 5,41,000 क्यूसेक पर पहुंच चुका है। लेकिन एक राहत की बात जो सामने आ रही है, तो बढ़ने का जो सिलसिला था, जो पहले 30,000-40,000 क्यूसेक लगातार एक साथ बढ़ता था, अब उसमें थोड़ी कमी आई है। तो धीरे धीरे अब लगता है कि धीरे धीरे स्थिति सामान्य होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल जो इतना जो पानी आया है वो तो तटबंध के भीतर के इलाके में धीरे धीरे फैल रहा है। अमित, लोग जो तटबंध के अंदर रहने वाले लोग हैं वो आखिर वहां से हटने को तैयार क्यों नहीं है? क्या वो लोग इस परिस्थिति से या इस स्थिति से हमेशा से दो चार होते रहे इसलिए अब उन्हें ये सामान्य सी बात लग रही है क्या? हाँ, निश्चित रूप से वो तो लगातार इसी पानी के बीच में रहते हैं, इसी में जीते हैं, तो उन लोगों के लिए सामान्य सी स्थिति है। चूंकि अब, लेकिन पहले उन लोगों को भी अंदेशा था, चूंकि इससे पहले भी कई बार इस तरह की बात हुई थी, पानी इतना आएगा इतना आएगा, लेकिन वो स्थिति सामान्य सी बात निकल गई थी। तो लोगों के जो तटबंध के भीतर के लोग, उन्हें भी यही अंदेशा अब भी है कि जो पानी आएगा तो वो धीरे धीरे पास कर जाएगा और इतनी मात्रा में पानी से कोई बड़ी तबाही नहीं होगी, वो लोग जो मान के चल रहे। लेकिन प्रशासन के लिए चिंता का विषय है कि 6 लाख क्यूसेक पानी जो फैलेगा तो तटबंध के भीतर की स्थिति कितनी भयावह होगी। और अभी जिस तरीके से प्रशासन लगातार, आज भी कई जगह पर मैकिंग के जरिए अपील की गई, डीएम लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से, तो राहत कैंप में आए और उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो उतनी संख्या में लोग नहीं बाहर आ रहे हैं, उसमें निकलने को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है। लोगों की परेशानी क्या है, लोग क्या चाहते क्या है? देखिए, स्थिति लोगों को लग रहा है कि स्थिति इसी तरीके से सामान्य हो जाएगी, क्योंकि पानी जिस तरीके से कोसी में जो बड़ा 8-9 किलोमीटर का एरिया है उसमें पानी जो फैलेगा तो बहुत लोग यही मान के चल रहे हैं कि बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि उससे उनको लोगों का रहन सहन सब कुछ वही इसी तरीके से होता है। तो अभी लेकिन जो पानी बढ़ रहा है, क्योंकि 6,81,000 क्यूसेक का ये अंदेशा जताया गया था, फोरकास्ट कोसी बेसिन डिपार्टमेंट ने किया था कि 6,81,000 क्यूसेक का पानी बढ़ेगा, उस हिसाब से तो वो बात सख्त साबित होती जा रही, क्योंकि 5,41,000 क्यूसेक पानी कुछ समय पहले अभी छोड़ा गया। तो ऐसे में तो माना ही जा रहा है कि 6,81,000 क्यूसेक पर अगर पानी डिस्चार्ज हो जाता है और जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है नेपाल के इलाके में और अन्य जगहों पर भी, तो जिससे काम करने में भी इंजीनियर को, मजदूरों को परेशानी। बिल्कुल, यानी इस वक्त प्रशासन की टीम की जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों ज्यादा हो जाती है कि लोगों को इस बात के लिए मनाया जा सके कि भाई जितना पानी का डिस्चार्ज हुआ है वो पानी अगर आपके इलाके तक पहुंचता है तो तटबंध के अंदर रहने वाले लोगों के लिए परेशानी हो सकती है, इसलिए एहतियात के तौर पर लोगों को वहां से वक्त रहते हटाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी के लिए। पानी तो लगातार बढ़ ही रहा है, आप देख ही रहे हैं, काफी स्पीड से बढ़ा, लेकिन अब बढ़ने का रेट अब घटा है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं, 5:31 के आसपास पानी चल रहा था, अब हम उम्मीद करते हैं
कि धीरे धीरे कंट्रोल होना चाहिए। हम लोग सब इसी उम्मीद में लगातार सतत निगरानी कर रहे हैं, सब जगह प्रयासरत है, बैराज से लेकर उसके डाउन में, उसके अप में, एवरीवेयर हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सब पूरी तरह मुस्तैद हैं, तैनात। सर, जिस तरह डिस्चार्ज का अलर्ट जारी किया गया, कोसी तटबंध की जैसी स्थिति है और बैरेज बहुत पुराना हो चुका है, उसको लेकर सर क्या कहेंगे? देखिए, उसको लेकर कुछ नहीं करना है, हम लोग हमेशा रेगुलर मेंटेनेंस कराते हैं, उसमें लगे रहते हैं, और आपके सामने 531, 532 तो का 532 पानी तो गुजर ही रहा है, और अभी और भी गुजरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रयास तो हम लोग कर रहे हैं, है ना, इसमें कोई कमी नहीं है। तो वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर लगातार जलस्तर का दबाव बढ़ रहा है। गंडक बराज से फिलहाल 4 लाख क्यूसिक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। वहीं नेपाल की नारायणी नदी का जलस्तर बढ़कर यहां पर स्थिति देखिए किस कदर गंभीर दिखती है, क्योंकि 6,50,000 क्यूसिक पानी का डिस्चार्ज यहां पर इस वक्त हो रहा है। और वाल्मीकि नगर बराज से हालात की जानकारी दे रहे News18 संवाददाता मुन्ना राज। लगातार वृद्धि जारी है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज का जलस्तर करीब 4 लाख क्यूसिक तक पहुंच रहा है। और नेपाल की नदियों की बात करें तो नेपाल की नारायणी नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है और यह जलस्तर बढ़कर 6,20,000 क्यूसेक को पार कर रहा है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से नेपाल में लगातार बारिश हो रहा है उसका सीधा असर वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर देखने को मिल रहा है। और वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर बढ़ते जलस्तर के बाद फिलहाल सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया है और हाई अलर्ट पर जल संसाधन विभाग की टीम को रखा गया है। और पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी की बात करें तो कई लेवल पर जिला प्रशासन की ओर से बैठक की जा रही है और निचले इलाकों में लगातार लोगों को सचेत करने की कार्रवाई चल रही है। तो पश्चिम चंपारण में जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है, जल संसाधन विभाग की टीम अलर्ट पर है। गंडक बराज की बात करें तो लगातार नेपाल के में हालात बेकाबू हो रहे हैं, जिसके बाद गंडक नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है और गंडक बराज के फाटकों पर बढ़ते दबाव के बाद यहाँ पे अभियंताओं की टीम लगातार कैंप कर रही है। तो फिलहाल लगातार गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर यह जलस्तर करीब 4 लाख क्यूसेक के पार करने जा रहा है। मुन्ना राज, News18, वाल्मीकि नगर गंडक। तो नेपाल के तराई इलाकों में हो रही लगातार भारी बारिश के बाद गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। निचले इलाकों में पानी प्रवेश करने लगा है और डीएम मोहम्मद मकसूद आलम ने 70 घाट, 0 माइल और सारण तटबंध की सुरक्षा का जायजा लिया। डीएम ने News18 से बातचीत में बताया कि तटबंध के निचले इलाके में बसे लोगों को ऊंचे स्थानों पर बनाए गए कम्युनिटी किचन में जाने की अपील बार बार की जा रही है। जिला प्रशासन बाढ़ को लेकर हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। गोपालगंज में गंडक नदी के हालात पर डीएम से बातचीत की संवाददाता गोविंद कुमार ने। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में गोपालगंज के डीएम मोहम्मद मकसूद आलम और सदर एसडीओ के अलावा आपदा विभाग के प्रभारी इस वक्त गोपालगंज के 70 घाट में बैकुंठपुर में जो है गंडक नदी के पास वहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। 70 घाट यही वो 70 घाट है जहाँ पर एक बार 70 घाट पुल का अप्रोच सड़क जो है कट गया था और ऐसे में डीएम इस वक्त जो है हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। हम सीधे तौर पर डीएम से ही बात करते हैं। सर, अभी क्या सिचुएशन है? अभी देखिए, नेपाल में अत्यधिक बारिश हुई है। अभी तक का सिचुएशन है कि वाल्मीकि नगर से 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जो ग्रेजुअली आ रहा, ग्रेजुअली इसको बढ़ा भी रहा, संभवतः 5-5.5 तक जाएगा। तो हम लोग अलर्ट हैं, पब्लिक को भी अनाउंस करा रहे हैं, माइकिंग करा रहे हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि पानी आ गया तो ऊँचे स्थान पर हम लोग उसको शिफ्ट करेंगे और वहाँ पर जो सरकार द्वारा जो प्रस्तावित है जो SOP बताता है उसके तहत हम लोग उसको सुविधा देंगे। क्या अपील की जा रही है सर जो निचले इलाके में? निचले अपील में जो है उन लोग अभी घर खाली नहीं किए, लेकिन अपील किया जा रहा है कि पानी जब आएगा तो आप खाली कर दें, ऊंचे स्थान पर हम लोग शरण स्थल बनाएंगे, वहाँ पर सारा जो सुविधा कम्युनिटी किचन वगैरह भी चलाएंगे, जो SOP हम लोग का आपदा प्रबंधन का उसके तहत हम लोग सारा चीज़ उसको सुविधा देंगे। तो 70 घाट का भी जायजा लिया गया? 70 घाट का अभी तो पानी तो नहीं आया है लेकिन आने की संभावना है, तो हम लोग सैंड फिलिंग वगैरह करवा रहे हैं पूरा कि जहाँ पर इस तरह, तो हम लोग भरसक प्रयास करेंगे कि कहीं से ब्रिज नहीं हो। अगर ऐसी नौबत आ भी जाती है तो हम लोग सतर्क हैं, हम लोग अलर्ट हैं, हम लोग पूरा टीम काम कर रहे हैं। संभावित बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। News18 भी निचले इलाके में बसे लोगों से ये अपील कर रहा है कि वो समय से बाहर निकलकर ऊंचे स्थानों पर शरण लें और प्रशासन की ओर से भी अपील लगातार की जा रही है कि जो लोग निचले इलाके में बसे हुए वो सुरक्षित जो है ऊंचे स्थानों पर शरण लें। ऐसे में गोपालगंज प्रशासन की पूरी टीम इस वक्त बाढ़ को लेकर अलर्ट और मुस्तैद है। गोविंद कुमार, News18, गोपालगंज।
कोसी और नेपाल के इलाके में भारी बारिश के बाद कोसी बराज से पानी छोड़ा जा रहा है और पानी छोड़े जाने की वजह से पश्चिम चंपारण के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है। महाचामी पंचारण चंपारण के चकदहवा गांव में पानी घुस गया है और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। यहां सड़क डूबी हुई है और घरों में लोगों के पानी प्रवेश कर गया है। बेतिया के नरकटियागंज में पिछले दो दिनों से हो रही बारिश से पहाड़ी नदियां इस वक्त उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश के बाद सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब गई है, गांव जलमग्न है। रामनगर के इलाके में मसान नदी इस वक्त उफान पर है, दर्जनों गांव में पानी प्रवेश कर चुका है और अब लोगों को माइकिंग के जरिए सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। लगातार मूसलाधार बारिश के कारण कल से जो बारिश हो रहा है उससे जो है हमारे शहरी क्षेत्र के बगल में जो नदी है उफान पर है और हम लोगों को डर सता रहा है कि कभी भी बाढ़ आ सकती है। तो नेपाल के तराई क्षेत्र में भारी बारिश के बाद अररिया की बकरा नदी उफान पर आ गई है। पलासी प्रखंड के धर्मगंज और पिपरा बिजवार पंचायत के 6 से ज्यादा गांवों के निचले इलाकों में नदी का पानी फैल गया है। धर्मगंज से मेहरो चौक जाने वाली मुख्य सड़क पर 3 से 4 फीट तक देखे पानी बह रहा है। हालात का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता सतीश कुमार ने। नेपाल की तराई में लगातार हो रही बारिश के बाद स्थिति बदतर है। तस्वीर दरअसल अररिया के पलासी प्रखंड के धर्मगंज गांव की है और देख सकते हैं यह बकरा नदी का जो पानी है कितनी तेजी से जो है गांव में प्रवेश कर रहा है और घरों को डुबो रहा है। यहाँ जो है सारे वार्ड मतलब 13 ही वार्ड पानी से और गांव जो है भरा हुआ है। ये 3 रोज से परेशानी है और 3 रोज से कहीं निकलने का ऐसा साधन नहीं है और दीवार जो भी देखते हैं फट गया है और चारों तरफ से पानी घिरा हुआ है। यहाँ निकलने का कोई साधन भी नहीं है। हम लोग अभी 3 रोज से हम लोग को खाना उना सब बंद है। यहाँ घर छोड़ के जाना नहीं चाह रहे आप? नहीं, घर छोड़ के कहाँ चले जाएंगे। यहाँ से माल बकरी है सब। इलाके में जो है बकरा नदी का पानी प्रवेश कर गया है, बाढ़ आ गई है। अब इंतजार है उन्हें प्रशासन के मदद की। सतीश कुमार, न्यूज 18, पलासी अररिया। और अब नजर दूसरी खबरों की तरफ। तो बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे हैं। दिलीप जायसवाल के बयान के बाद अब सियासी बवाल मच गया है। स्मार्ट मीटर पर आरजेडी के आंदोलन पर दिलीप जायसवाल तेजस्वी यादव पर जमकर भड़ास निकालते हुए नजर आए। तो तेजस्वी पर दिलीप जायसवाल के बयान के बाद यह बवाल मचा है। तेजस्वी यादव बार बार स्मार्ट मीटर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रीपेड जिस स्मार्ट मीटर की चर्चा की जा रही है जिसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक कह चुके हैं कि लोगों को इससे बिजली बिल कम आएगा, सहूलियतें होंगी, लेकिन विपक्ष इसे लेकर हमलावर है और ऐसे में दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला किया। ट्वीट किया और कहा है कि बिहार में स्मार्ट मीटर स्मार्ट चीज लगता है। ऐसा है कि 1.5 साल कहाँ थे वो, जब वो सत्ता में थे तो उस समय उनको स्मार्ट मीटर नहीं नजर आया था। ये सब बेशरम लोग सब हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और जब सत्ता से हटते हैं तो जनता का हर चीज याद आ जाता है। इससे बड़ा बेशर्मी क्या हो सकता है। तो दिलीप जायसवाल के बयान पर आरजेडी ने नाराजगी जाहिर की है। पार्टी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने दिलीप जायसवाल को नसीहत दी। आरजेडी ने कहा कि इस तरह की भाषा से बचना जरूरी है, लोगों को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री ने किया है, ये बातें उनको शोभा नहीं देती है। उनको पता होना चाहिए कि जनता और जनता के सवाल को उठाना प्रतिपक्ष का कर्तव्य बनता है। स्मार्ट मीटर के नाम पर कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। उस और यहां